अभी अभी गधेरे पे हमने एक लिटिल फॉक्टेल को देखा एंड उसको थोड़ा शूट कर पाया मैं। उसके अलावा वहाँ पर एक चेस्टनट हेडेड टीसी अभी थी, लेकिन जैसे कि अब जानते हैं बहुत शर्मीली है, तो हमको देखते ही वो तुरंत झाड़ियों में चले गई, तो हम उसे शूट नहीं कर पाए। इस मॉर्निंग जैसे ही हम थोड़े से आगे गए, तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सीजन हम वाइट ब्राउड श्राइक बैबलर को स्पॉट कर पाए। पूरा झुंड था, अराउंड 7 या 8 इंडिविजुअल्स थे, मेल एंड फीमेल बोथ, एंड इफ यू लुक एट देम बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। उन्हीं वाइट ब्राउड श्राइक बैबलर्स के साथ साथ हमने लॉन्ग टेल मिनिट भी देखे, एंड ये भी 3 या 4 इंडिविजुअल्स थे, एंड आई थिंक बोथ दिस मिनिट्स एंड जो वाइट ब्राउड श्राइक बैबलर थे वो नीचे की तरफ जा रहे थे, ठंडी जगहों से थोड़ी से गर्म जगहों की तरफ। The male came very close to me and आप देख ही सकते हो कितना सुंदर लग रहा था। ऐसा कैसे हो गया? शूट हो रहा है कैमरा? नहीं सर, ये शूट हो रहा है। ये शूट हो रहा है ना? हाँ। तो अभी अभी हमने शायद शायद हिल पार्टीज देखा, लेकिन झाड़ी के अंदर बहुत शर्मिला, तो सिर्फ एक झलक देख पाए हम, सुबह नॉट श्योर क्या था, लेकिन सीम्स लाइक अ हिल पार्टीज फॉर द साइज। तो अभी अभी हमने शायद, जैसे कि हमने बताया, हिल पार्टीज देखा, लेकिन उसके पहले वी आर वेरी फॉर्चुनेट टुडे। धन सिंह जी अब भी हिल पार्टरिज को ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे आ गया हूँ ताकि अगर उन्हें दिखे तो दिख जाए। तो इसके जिससे पहले, जब हम हिल पार्टरिज को शूट करने से देखने से पहले, वी वर वेरी फॉर्चुनेट, हमें एक फ्लॉक दिखा वाइट ब्राउड श्राइक बैबलर का, मेल एंड फीमेल आई थिंक 5-6-7 थे, and we were able to get some beautiful videos of them. Uske alawa we were also fortunate to see there was also a very small flock, like 3-4 of I guess long tailed minivet, to unhone bhi kafi badhiya shot diya, so it was a nice experience minivet and वाइट ब्राउड श्राइक बैबलर के साथ। दे बोथ लुक ब्यूटिफुल, आई डोंट नो हाउ दे लुक इन द वीडियो द कैमरा, लेकिन सामने अगर आप देखो तो दे आर जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। धन सिंह जी अब भी हिल पार्टरिज की खोज में, दिख जाए तो मज़ा आ जाए फिर तो, क्योंकि हमने आज तक कभी हिल पार्टरिज यहाँ पर देखा नहीं है। हमने उसको सुना है काफ़ी ऊपर के रेंज में, लेकिन यहाँ पे हमने आज शायद
और दिख जाए, कंफर्म हो जाए तो हमने फर्स्ट टाइम में देखा। थोड़ी देर में सूरज भी निकल आया एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग एंड बहुत ही सुंदर सीढ़ीनुमा क्लाउड्स, धन सिंह जी की भाषा में कहें तो सीढ़ीनुमा क्लाउड्स लगे हुए थे। तो जब हम वापस जा रहे थे उसी सड़क से अपने घर की तरफ, तो हमने देखा कि ठीक सड़क के बीच में एक हिमालयन ब्लू टेल की फीमेल थी। पहले तो वो हमसे थोड़ी दूर थी, बट उसने हमको माइंड नहीं किया एंड धीरे धीरे क्रॉल करते हुए मैं उसके काफ़ी क्लोज चला गया एंड वी वर एबल टू स्पेंड अ गुड 4 to 5 मिनट्स विद दिस बहुत ही सुंदर फीमेल।